नमस्कार। मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट की आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। कल के ही क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम फैमिली एंड स्कूल एनवायरनमेंट को थोड़ा सा और विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। फैमिली अर्थात पारिवारिक वातावरण, स्कूल एनवायरनमेंट अर्थात जो विद्यालयी वातावरण है, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष हैं और किसी भी बालक के विकास में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम सबसे पहले पारिवारिक वातावरण को देखते हैं कि किस प्रकार से किसी बालक के शारीरिक विकास को या अन्य आयाम हैं उनको पारिवारिक वातावरण प्रभावित करता है, और किस प्रकार से विद्यालय का जो वातावरण होता है वो बालक के स्वभाव को, उसके व्यवहार को, यानी उसके बिहेवियर को, उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। सबसे पहले हम देखें फैमिली एनवायरनमेंट यानी कि पारिवारिक वातावरण। तो पारिवारिक वातावरण से क्या तात्पर्य है कि जो बच्चे के आसपास परिवार में माहौल है वो कैसा है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है उसमें। जैसे पहले आ जाता है इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द फैमिली, यानी कि परिवार का जो आंतरिक वातावरण कैसा है। आप समझ सकते हैं कि अगर परिवार में काफ़ी सुखद, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्वक व्यवहार होता है, अच्छा माहौल है, तो माता पिता अच्छे चरित्रवान हैं, संस्कारवान हैं, तो ऐसे बच्चे भी सामान्यतः यूज़ कर रही हूँ क्योंकि एक्सेप्शंस कहीं भी हो सकती हैं, तो सामान्यतः ऐसे बच्चे शिक्षित होंगे, चरित्रवान होंगे, कुशल होंगे, संस्कारी होंगे, योग्य होंगे। ऐसे माहौल में बच्चे का सर्वांगीण विकास बहुत अच्छी तरीके से होता है, चाहे हम शारीरिक विकास की बात करें, चाहे हम मानसिक विकास की बात करें, बौद्धिक, नैतिक या संज्ञानात्मक यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है ना, वो सभी चीज़ें, या मोटर डेवलपमेंट है अर्थात क्रियाशीलता जो है उसकी, क्रियात्मक विकास है, ये सभी बहुत उत्तम गति से होता है क्योंकि फैमिली, परिवार ही बच्चे का पहला स्कूल होता है। तो वहाँ पे, और अगर इसकी बजाय हम तुलना करें कि वहाँ पे गृह क्लेश हो रहा है, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं या डर का माहौल है, तो फिर वो बच्चा, उसके व्यक्तित्व के ऊपर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वो बच्चा बहुत ही सज्जन रूप में, या कहें कि बहुत स्वाभाविक रूप से एक आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी बच्चा नहीं बन पाता। दूसरा हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली। स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली से क्या तात्पर्य है, परिवार की संरचना कैसी है। संरचना यानी कि परिवार का प्रकार कैसा है। हमारे यहाँ सामान्यतः दो टाइप की फैमिली स्ट्रक्चर होता है, एक होता है न्यूक्लियर फैमिली, एक होता है जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली से क्या तात्पर्य है, एकल परिवार, जॉइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार। तो जो परंपरावादी तरीका है, ट्रेडिशनल टाइप है, वो है संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली, और इसके अंतर्गत दादा, दादी, चाचा, चाची, ताऊ जी, ताई जी, ये लोग सब साथ में, और इनके परिवार आगे साथ में एक परिवार के रूप में, एक छत के नीचे रह रहे हैं। तो जब ऐसे माहौल में बच्चे का विकास होता है तो उसको काफ़ी सुरक्षा मिलती है, संरक्षण मिलता है, प्रेम मिलता है। दादा, दादी या इस प्रकार के जो और उम्रदराज लोग हैं वो उसको नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, परिवार के संस्कार, राष्ट्र के संस्कार, किस प्रकार से हमें जो नैतिक शिक्षा जो कि बहुत आवश्यक है किसी भी मनुष्य के लिए, तो वो सिखाते हैं। तो ये सब किस्सों के द्वारा, कहानियों के द्वारा बहुत आसानी से बच्चा सीखता चला जाता है। लेकिन और एक चीज़ और वो संयुक्त परिवार में सीखता है, वो है शेयरिंग। शेयरिंग यानी कि मिलजुल के रहना, आपस में चीज़ों को बांटना, माफ़ करना, दया दिखाना, लोगों के प्रति सहानुभूति रखना, सौहार्दपूर्ण वातावरण रखना, एक साथ मिल के काम करना, ये सब चीज़ें वो संयुक्त परिवार में सीखता है और देखता है, सीखता है और उसको अपनाता है। तो इस प्रकार से ऐसे परिवारों में सामान्यतः बच्चे का शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास बहुत अच्छे तरीके से होता है। और वहीं अगर हम तुलना करें एकल या एकाकी परिवार की,
जहाँ न्यूक्लियर टाइप की फैमिली है, यानी कि माता पिता हैं और उनके संतान हैं, भाई बहन होंगे, मतलब बच्चे होंगे और पेरेंट्स होंगे उनके पास, माता पिता अभिभावक। तो यहाँ पे क्या होता है कि माता है, पिता है, पिता अपने काम पे जा रहे हैं, बहुत सारे जगहों पे माता भी वर्किंग होती है तो माता भी काम पे जा रही है, और बच्चे घर में स्कूल जा रहे हैं, फिर घर आ रहे हैं, मतलब काफ़ी उनको आत्मनिर्भर भी रहना पड़ता है। ऐसे बच्चे जल्दी सीख जाते हैं बहुत कुछ यहाँ पे, लेकिन शारीरिक और मानसिक विकास अलग रहता है। छोटा बच्चा अगर ऐसे एकल परिवार में रहता है जो बोलना सीख, उसको बहुत ज़्यादा लोग वार्तालाप करते हुए नहीं मिलते, तो वो शब्द ज्ञान उसका ज़्यादा बढ़ नहीं पाता, तो वो बच्चा सामान्यतः देर से बोलना शुरू करता है या देर से चलना शुरू करता है। जब वो अलग अलग लोगों से मिलता है तो वो अलग अलग प्रकार से उसका विकास होता है और वो बहुत सारी बातें सीखता है। यहाँ पे ये भी हो जाता है एकल परिवार में कि थोड़े से प्रोटेक्टिव हो जाते हैं अभिभावक बच्चों को लेके, बच्चों ने जो डिमांड की उसको पूरा कर दिया, तो उसके भी अपने नुकसान हैं। फ़ायदे भी हैं कि बच्चा आत्मनिर्भर होता है, बहुत सारी चीज़ें समझ जाता है जल्दी, समय से सीख जाता है, लेकिन अगर हम देखें तो बहुत सारे गुण, बहुत सारे व्यक्तित्व के जो आयाम हैं जो वो संयुक्त परिवार में प्राप्त कर सकता है, वो एकल परिवार में, एकाकी परिवार में उसको उतना ज़्यादा अनुभव नहीं हो पाता। तो ये एक ड्रॉबैक है, एक कमी है। तीसरा महत्वपूर्ण कारक जो पारिवारिक वातावरण को निर्धारित कर रहा है और व्यक्ति के, बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहा है, वो है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली, अर्थात परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है। कि परिवार में बहुत दोनों ही चीज़ें, सामाजिक स्थिति से क्या तात्पर्य है कि समाज में क्या स्तर है, आर्थिक दशा से क्या तात्पर्य है कि इनकम ग्रुप के आधार पे भाई मध्यम आय वर्ग है, निम्न आय वर्ग है, उच्च आय वर्ग है, किस प्रकार से इनकम ग्रुप में वो आता है, क्योंकि इन्हीं आर्थिक आधारों पे व्यक्ति को, बच्चे को, बालक को पोषण मिलता है, स्वास्थ्य मिलता है, वस्त्र मिलते हैं, सुख सुविधाएँ मिलते हैं। हालाँकि किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए, बालक के विकास के लिए, ये ज़रूरी नहीं है कि उसको सब सुख सुविधाएं मिले तभी वो उसका विकास होगा, लेकिन कई बार होता है कि उसको अगर पर्याप्त सुविधाएं मिलती हैं तो विकास की गति बढ़ जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कोई पढ़ने वाला बच्चा है और उसको लैपटॉप मिल जाए तो वो और सारी चीज उसके लिए और ज्ञान के द्वार खुल जाते हैं और उसका आयाम बढ़ जाता है, वो और बहुत कुछ सीखने लगता है। तो यानी कि ये सुख सुविधा उसके लिए प्लस पॉइंट हुई और उसको सीखने के लिए और उसने प्रेरित किया। और वही अगर कोई बच्चा है जिसकी रुचि नहीं है ज़्यादा पढ़ने में या किसी विषय में, और उसमें आप उसको कितनी ही बढ़िया रुचिकर किताब दे दी आपने, लेकिन वो उसमें दिल नहीं लगा पाता, तो ये होता है कि किस प्रकार से परिवार का सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां हैं वही उसके पोषण को भी निर्धारित करेंगे और पोषण उसके शारीरिक विकास को निर्धारित करेगा। कई बार ये भी होता है कि बच्चे बड़े परिवारों से, उच्च आय वर्ग के परिवार से हैं तो उनमें वो निम्न आय वर्ग को कभी हीन दृष्टि से, हे भाव से देखते हैं, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त होते हैं, यानी कि वो सोचते हैं कि हम ऊपर हैं और कम आय वर्ग वाले नीचे हैं। लेकिन अगर हम व्यक्ति के विकास की बात करें, व्यक्ति के मूल्यों की बात करें, तो कहीं भी सामाजिक या आर्थिक स्तर आड़े नहीं आता और वो अच्छा, जिसका विकास और व्यक्तित्व है उसको प्रतिकूल दिशाओं में भी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वो सफलता प्राप्त कर सकता है। तो ये कहीं कोई लिमिटेशन नहीं है, सीमा नहीं है, लेकिन हाँ सुविधा मिलती है अगर पारिवारिक परिवार की सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वो अच्छा है तो बालक को उचित संसाधन मिल जाते हैं जिससे विकास की, चाहे वो शैक्षणिक विकास हो और गतिविधियाँ उसकी तीव्र हो जाती हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट पारिवारिक वातावरण में आ जाता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, अर्थात अभिभावक और संतान के बीच का अंतर संबंध, यानी कि पेरेंट्स के साथ बच्चे का संबंध कैसा है और बच्चे का
खुद का भाव क्या है पेरेंट्स के प्रति, ये एक क्रिया है, प्रतिक्रिया है, क्रिया है और प्रतिक्रिया है कि पेरेंट्स कैसा बर्ताव करते हैं, अभिभावक कैसा बर्ताव करते हैं बच्चे के साथ, और वो बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है बहुत हद तक। और जब अलग इतनी विभिन्नताएं पाई जाती हैं तो अभिभावक भी अलग अलग नेचर के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, कई प्रकार का व्यवहार उनका प्रदर्शित होता है। तो हम देख सकते हैं कि कुछ होते हैं कठोर अभिभावक, यानी कि कठोर माता पिता, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं तो वो बच्चों को उतनी स्वतंत्रता नहीं देते, बहुत ज़्यादा कठोर अनुशासन में रखते हैं इससे बच्चे में कई बार हीन भावना हो जाती है, कुंठा से ग्रस्त हो जाता है, अंतर्मुखी स्वभाव का हो जाता है, अपनी बातों को विचारों को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाता, अपना जो भी निर्णय वो लेता है उसको उसमें असमंजस लगता है, संशय लगता है, वो डिसीजन ले नहीं पाता, और बहुत सारी चीज़ों पे दूसरे पे आश्रित होता है। तो चाहे कपड़े हों, चाहे खाना हो, चाहे किताबें हों, वो बिल्कुल पूरी तरीके से उसको लगता है कि हाँ माता पिता ही उसको डिसाइड करके देंगे। तो कठोर, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंट्स से तात्पर्य है यहाँ। फिर कुछ होते हैं अति सतर्क अभिभावक, अति सतर्क यानी कि बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं अपने बच्चों को लेके, छोटी छोटी बात पे बहुत चिंता करते हैं, बच्चे को यहाँ पे भी पूरी स्वतंत्रता नहीं मिल पाती क्योंकि उसको काम करने की फ्रीडम नहीं मिलती, या पेरेंट्स को अभिभावकों को डर रहता है बच्चे को चोट ना लग जाए, गिर ना जाए, उसको छोड़ते नहीं हैं अकेले। तो इससे क्या होता है कि बच्चे का विकास भी ठीक से नहीं हो पाता। तो ये एक अति किसी भी चीज़ की नुकसानदेह ही होता है, तो यहाँ भी बच्चा थोड़ा सा आश्रित रहता है और आत्मनिर्भर नहीं बन पाता है। फिर होते हैं पक्षपाती अभिभावक, वो कैसे होते हैं, जो डिफ्रेंसिएशन करते हैं। बहुत हमारे परिवारों में, गाँव में भी आज भी लड़के लड़कियों में लिंग भेद किया जाता है, बहुत सारी पोषण की जो चीज़ें हैं वो बालकों को उपलब्ध कराई जाती हैं, बालिकाओं को नहीं मिल पाती, हालांकि बहुत सारी सुविधाएं हैं। आज शिक्षा, बालिका शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और हायर एजुकेशन के लिए लड़कियों को प्रेरित किया जाता है, उनके अभिभावकों को प्रेरित किया जाता है, और बहुत अच्छा दर है बालिका शिक्षा में हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का। लेकिन फिर भी बच्चों के बीच में पक्षपात करने वाले भी पेरेंट्स होते हैं, या ये सही है ये गलत है, तुमने ऐसा क्यों किया, इससे क्या होता है कि बच्चों में एक द्वेष की भावना पनपने लगती है। तो और कहीं ना कहीं वो कुंठा से ग्रस्त हो जाते हैं और वो अपने भाई बहनों से भी कुछ अच्छे भाव उनके प्रति नहीं रखते, तो ये पक्षपाती होते हैं। फिर एक होते हैं लापरवाह अभिभावक, लापरवाह कैसे होते हैं, केयरलेस, ध्यान नहीं रखना, अपने खुद की प्राथमिकताओं में इतना बिजी रहना कि ध्यान नहीं रखना। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा क्या कर रहा है पर्याप्त उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रखते, बच्चा गलत दिशा में जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं, परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें बच्चा ये डिसाइड नहीं कर पाता कि मुझे क्या करना चाहिए, और अगर ऐसे में उसे साथ मिलता है जैसा भी, तो वो डिपेंड करता है कि वो चाहे वो उस किसी और व्यक्ति के प्रभाव में, किसी और बालक के प्रभाव में, किसी दोस्त के प्रभाव में कोई गलत आदत को भी अपना सकता है। तो इसीलिए पेरेंट्स को, अभिभावकों को बच्चों के ऊपर फुल कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ ये भी होते हैं कि सामान्य अभिभावक, तो सबसे कहूँगी कि सही अभिभावक हैं, क्योंकि वो किसी चीज़ की अति नहीं कर रहे, तो यानी अनुशासन भी रख रहे हैं लेकिन बच्चे को स्वतंत्रता भी दे रहे हैं। तो ऐसा बच्चा क्या होगा, आत्मनिर्भर बनेगा, उसका विकास अच्छी गति से होगा, और ज़रूर अगर उसने गलती की है तो उसे दंड भी मिलता है, अगर उसने अच्छा कार्य किया है तो उसके लिए उसकी प्रशंसा भी होती है। तो ऐसे बच्चे सामान्य रूप से अलग अलग खेल में, कूद में, पढ़ाई में आगे रहते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। और एक और नकारात्मक रूप से हम देख सकते हैं कि कुछ तिरस्कार करने वाले अभिभावक भी होंगे जो कि बहुत ज़्यादा डांटते हैं बच्चों को, या कहें कि उनकी इंसल्ट करते हैं कि किसी के भी सामने कि तुमने ये क्यों किया, देखो तुमने कितना गलत किया,
तुलना करते हैं कि देखो फला फला बच्चा है उससे वो तो इतने ज़्यादा नंबर ले आया है, या बहुत सारी और किसी भी बात के ऊपर हो सकते हैं, उसको शारीरिक दंड भी देते हैं बच्चे को, गलती के ऊपर बहुत ज़्यादा अनुशासन भी रखते हैं, गलती कर दी तो बच्चे को बहुत कठोर दंड दिया। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, क्योंकि उनको एनवायरनमेंट वातावरण ऐसा मिल रहा है कि वो उनके अंदर क्षमताएँ भी हैं और इमोशंस भी हैं, लेकिन वो उसको प्रदर्शित नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा, ऐसा बच्चा आक्रामक बनेगा, कठोर बनेगा, विरोधी प्रवृत्ति का बनेगा, अवज्ञा करना चाहेगा। तो अभी उसे मौका नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं अपने से छोटे पे वो इस प्रकार के भाव प्रदर्शित करेगा। तो ये अलग अलग प्रकार के अभिभावक और बच्चे होते हैं जिसके बारे में हमने देखा। फिर स्कूल का एनवायरनमेंट, विद्यालय का कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, विद्यालय का एनवायरनमेंट वातावरण ऐसा दो तीन चीज़ों से प्रभावित होता है। सबसे पहले तो पीयर ग्रुप, यानी कि कैसे दोस्त हैं, कैसे बच्चे हैं। अब पीयर ग्रुप के अंतर्गत सब दोस्त आ जाएंगे, स्कूल में कैसे बच्चों के साथ वो बच्चा रह रहा है, कैसे बच्चों के साथ खेल रहा है, उनका स्वभाव कैसा है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, वो अच्छे मूल्य सिखा रहे हैं, अच्छे संस्कार हैं, अच्छी बातों को सीख रहे हैं या किसी गलत दिशा में जा रहे हैं। तो ये चीज़ें उस बच्चे के व्यवहार को भी प्रभावित करेंगी। और साथ ही साथ शिक्षक, टीचर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी बच्चे के विकास में। आपने भी अपने टीचर स्कूल में जिन शिक्षकों ने आपको पढ़ाया होगा, आज भी आपके दिमाग में वो चीज़ें बहुत सहेजी हुई होंगी। कोई टीचर आपकी फेवरेट होंगी, कोई टीचर से आपने कुछ सीखा होगा, किसी से कुछ सीखा होगा। कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि टीचर से हम इतने ज़्यादा जुड़े महसूस करते हैं, तो वो विषय में अपने आप हमारी रुचि बढ़ जाती है। तो टीचर का कैसा व्यवहार है बच्चे के प्रति, वो उसको पर्याप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, उसके साथ कैसा संबंध है, उसको उसकी गलतियों पे एक सही तरीके से टोक के बताना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बच्चा गलती करेगा और शिक्षक ने अगर उसको बहुत ज़्यादा डांटा कि उसका वो कुछ नया करने के से रुक जाए आगे, तो ये भी एक हानिकारक स्थिति है। तो ऐसा शिक्षक को भी पूरी स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की बच्चे को देनी चाहिए, वो नवाचार कोई नई चीज़ों को सीख सके, अपना सके, उनको फॉलो करने में वो डरे नहीं, निर्णय ले सके, ऐसा व्यवहार उसके साथ करना चाहिए। तो बच्चे के व्यक्तित्व का अच्छा विकास होता है और स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से जैसा बच्चा बहुत सारा समय क्योंकि स्कूल में बिता रहा है, इसलिए स्कूल का वातावरण उसके व्यक्तित्व के विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से किसी भी बालक के विकास में उसके परिवार का वातावरण और उसके विद्यालय का वातावरण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।